सारे गिरधारी बुलाता है मेरे को, औकात में रहकर बात कर मालिक से, सारा गिरधारी बुलाता है मेरे को, जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है, आज से कभी गिरधारी बुलाएगा, आज से तो मेरे को गवर्नमेंट बुलाएगा सारा। क्या बुलाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना, तो हम अरबपति हो जाएंगे, हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काहे को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़ी ऐश की जिंदगी बिता रहे, बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और तीन तीन कारों में साथ चलते हैं, तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगवाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा, फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा, और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम माड़ा माल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा सारा। बस जी गवर्नमेंट आप तो पोतो। मैं तो समझा रहा हूँ तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल भाई। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले, पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है, मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं, लाइव। तीर तीर तीर। कैप्टन स्टॉक। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑल राइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजरुद्दीन। अरे टोपी तो उतार भाई गौन। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है, डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट व्हाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे, वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको कायम तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गोल्ड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं नहीं, एक खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे ये बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर एक हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है? अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीति समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता है तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। एनी स्टॉप। और तुम सर? शराब। तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे? यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं, तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ, अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बेटे देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, बड़े चाचा चोर थोड़े होते हैं। है? ला, 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 आगे नहीं, आगे नहीं, अब मैं डिशो अंकल की गोली चलाऊंगी और तुम हाँ करके
ज्योति देख, देखो बेटे मैं तुम्हारे लिए एक एक तोहफा लाया, एक एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया। अच्छा वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वहाँ वो जो बग्गी है ना उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे रिवॉल्वर दे दो फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। मुझे तू मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहता है? नहीं 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 बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे, वहाँ जो बग्गी है ना वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार, ओहो ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है, पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब एक सुई से डर गया। करो तुम लोग, क्या है भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी, भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलो। क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है, ये देखिए। भाग्य हाथ आएगा तो मार खाएगा। I'm sorry बड़े चाचू। अच्छा देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते, चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है, अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। कोई जरूरत नहीं इन बेवकूफ लोगों के लिए आंसू बहाने की, कोई जरूरत नहीं। ये तो यहां से ऐसी मीठी शराफत से निकलते हैं जैसे 15 मंदिरों की पूजा करके लौटेंगे ये। और आप महाशय क्लब में पंजा लड़ाएंगे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को चंगेज खान की औलाद? अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बनाया है मैंने, तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये जो खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे, मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया। देख मारूंगा छापड़ खींच के अभी, सॉरी का बच्चा। क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की? क्या जरूरत है? शराफत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौलवी लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है, या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने। ए, तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच लात या घुसा मारा? नहीं ना। मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लगे। बिलीव मी। भैया आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। yeah. आप शादी कर लीजिए। अरे बहुत सही जा रहा भैया, बहुत सही जा रहा भैया, आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया आप शादी कर लीजिए ना। बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए एक अच्छी सी चटनी ले आइए। आप चुप रहेंगी, बात कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे
ये क्या शादी शादी लगा रखी है भाई? मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूं, मेरे लिए शादी होती नहीं। नहीं कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? हाँ कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे?